नजर रखब लोकसभा सेखाने बक्तव्य राखछेन गौरव गगई। असम में जाकर वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? चलिए मेरे दल का नहीं, चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से तीन में हमारी याचना है, तीन हमारे याचना है। याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर, ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा
उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखे जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके यहां डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है, ये है। पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजी एनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजी एनरेगा से बाहर कर दिया है, ये आपका विकास है। तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इतना अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पर रखता हूं, धन्यवाद। निशिकांत दुबे। सर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं। सर अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्य पूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्य पूर्वक सुनिए। निशिकांत जी, अध्यक्ष महोदय फिर ये नहीं चलेगा हाउस। यदि वो हल्ला करेंगे यह हाउस नहीं चलेगा। प्लीज आपको मैंने अलाउ नहीं किया है। प्लीज माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण डिबेट है और महत्वपूर्ण डिबेट में आपके माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, सबने पूरी ध्यान पूर्वक सुनी है। अब निशिकांत जी बोल रहे हैं, आप इस तरीके से डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है। सदन की तरफ बाली निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, अभी मणिपुर की बड़ी चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हुआ। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व करता आदरणीय मोदी जी और पूरे पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि इतने